यदि वंशियों का दूध और कुछ वंशियों का चावल मिल जाए तो खीर बनने में कहां देंगे। हम लोग साधारण परिवार से आते हैं और साधारण परिवार में जब से हम लोग देख रहे हैं, जिस दिन घर में खीर बन गई दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन बन गया। आज भी यही मान्यता है कि खीर मतलब सबसे अच्छा व्यंजन, सबसे स्वादिष्ट व्यंजन। तो अब उस स्वादिष्ट व्यंजन को बनने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ दूध और चावल से ही काम नहीं चलने वाला है, इसमें पंचमेवा की भी जरूरत पड़ती है। और उस पंचमेवा के रूप में यहां से स्वर्गीय बीपी मंडल साहब आके उस इलाके में जाइए, तो एक प्रचलित शब्द है पंचफोरना, उस इलाके में बहुत प्रचलित शब्द है, जिसमें अति पिछड़ा समाज के लोग, छोटी छोटी संख्या वाली जात के लोग, शोषित पीड़ित दबे कुचले, उनका पंचमेवा ही आवश्यक है। तो उनके घर का पंचमेवा और उसमें चीनी की भी जरूरत पड़ेगी, तो पंडित शंकर जी जी के घर से थोड़ी चीनी भी हम लोग ले आएंगे, क्योंकि चीनी तो गरीब लोगों के घर में मिलती नहीं है, कम मिलती है, तो उसके लिए पंडित शंकर झा जी है, तो वहां से चीनी थोड़ी डाल देंगे तो खीर ज्यादा स्वादिष्ट। और खीर बनकर तैयार हो तो उसमें हम लोगों के यहाँ समाज में एक प्रचलन है, जब कोई भोज का आयोजन होता है, व्यंजन बनकर तैयार होता है, तो उसमें तुलसी का पत्ता डालना पड़ता है, जिसको तुलसी दल हम लोग कहते हैं। तो भूदेव चौधरी जी के यहाँ से तुलसी दल ले आएंगे, बहुत पेड़ पौधा लगाकर रखा है, तो तुलसी दल वहां से। और उसके बाद फिर परोसने की जरूरत पड़ेगी तो जुल्फिकार अली बरादरी साहब के यहां से दस्तरखान ले आएंगे, और उस दस्तरखान पर बैठकर हम सब लोग मिलकर उस स्वादिष्ट व्यंजन का रसा स्वादन करेंगे, भोजन करेंगे। वैसा व्यंजन बनाने का काम करना है, और यही वास्तव में सामाजिक न्याय है।